नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज इंडिया। आज मैं राजधनवार प्रखंड और राजधनवार विधानसभा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय गुजी गड्डी में है। और यहाँ पे देखिए प्रशासनिक व्यवस्था भी तैनात है, यहाँ पे शांतिपूर्वक वोट भी हो रहा है और काफी लोग वोट दे चुके हैं, कुछ लोग दे भी रहे हैं। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ किन किन मुद्दे पर वोट करने का इन लोग तैयारी में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप वोट दे दिए? वोट नहीं दिए, बस देने वाले हैं, लाइन में हैं। तो अब किन किन मुद्दा को लेकर के वोट करेंगे? यहाँ मुद्दा जो है ना विकास का है, ठीक है ना। यहाँ जितने भी विधायक रहे हैं, अभी जितने भी विधायक खड़े हुए, सब कभी ना कभी एक विधायक टर्म में रह चुके हैं, लेकिन किसी का धरातल पर काम नहीं हुआ है। यहाँ मेन मुद्दा है कि शिक्षा के लिए गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए जी, सड़कें दुरुस्त होना चाहिए और बहुत सारे मुद्दा है, मतलब विकास को लेकर के हम लोग वोट करने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उत्तम कुमार दास। ये कौन सा बूथ है, कितना संख्या है? संख्या है इसमें 363 है। 363 है ना। और बाकी सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो गया और शांतिपूर्ण बूथ यानी कि वोट हो रहा है। यहाँ वोट हो रहा है। ये जो देख पा रहे हैं हमारे पीछे की तस्वीर, काफी लोग लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है और यहाँ काफी लोग हैं लगे हुए, वोट दे भी रहे हैं और बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था भी ठाकुरमा जी देखिए लगे हुए हैं, तैनात है, चारों साइड में लगे हुए कि किसी तरह की परेशानियां नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था भी तैनात है हमेशा, कल शाम से ही इधर भी देखे लगे हुए हैं, उधर भी काफी लोग आ ही रहे हैं वोट देने के लिए। और जहाँ तक कि वोटिंग बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है यहाँ पे और ऐसे ही तैयारियां चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं अगला बूथ में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली खबर के साथ।